साल 2022 में मुनक्कद होने वाले नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र आज राष्ट्रवादी कांग्रेस नांदेड़ निरीक्षक आशाताई भिस्से ने मुख्तलिफ जोन का दौरा किया। जोन नंबर 11, 12 और 13 के जायजा इजलास का इनेकाद राष्ट्रवादी कांग्रेस यूथ जिला शहर सदर रऊफ जमींदार की जानिब से देगलुरना के इलाके के आयशा हुसैन फंक्शन हॉल में किया गया। इजलास की सदारत राष्ट्रवादी जिला शहर कमेटी के सदर डॉक्टर सुनील कदम ने की, जबकि मेहमान खसूसी की हैसियत से नांदेड़ की निरीक्षक आशाताई भिस्से, जिला जनरल सेक्रेटरी गणेश तदलापुरकर व दीगर लीडरान मौजूद रहे। आशाताई ने इस मौके पर वार्ड वाइज कामों का जायजा लिया और कारकुनान को अवामी खिदमात पर तवज्जो देते हुए लोगों की मदद करने की तलकीन की। डॉक्टर सुनील कदम ने अपने खिताब में कारकुनान को ज़मीनी सतह पर काम करने की नसीहत देते हुए बताया कि समाजी खिदमात के ज़रिए ही अवाम तक पहुँचा जा सकता है और कारकुनान को इस तर्ज अमल पर काम करना चाहिए। प्रोग्राम की गर्ज़ वायद बयान करते हुए यूथ शहर ज़िला सदर रऊफ ज़मींदार ने मित्रपक्ष कांग्रेस पर ज़ोरदार तनकीदें की। उन्होंने कहा कि नांदेड़ के नौजवान बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस से लगातार जुड़ रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस को कमज़ोर समझने वालों की गलतफहमी को आइंदा कॉरपोरेशन इंतखाबात में दूर कर दिया जाएगा। रऊफ ज़मींदार ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से किए गए तरक्याती कामों का क्रेडिट भी कांग्रेसी कायदीन ने अपने नाम किया। हैदराबाद का दवाखाना राष्ट्रवादी की ही देन है, जिसे कांग्रेस अपनी उपलब्धि बताती है। रऊफ ज़मींदार ने बताया कि कांग्रेसी कायदीन तरक्की को लेकर अगर इतने ही सरगर्म हैं तो अभी तक नांदेड़ में मेडिकल कॉलेज और खदीम शहर के लिए 10 एकड़ कब्रिस्तान की ज़मीन क्यों नहीं दिलाई गई। प्रोग्राम में खदीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत भी की, जिनमें अवेस खान, योगेश पाटिल, सैयद आसिफ, सैयद सुफियान हुंडेकर, मोहम्मद खान व दीगर शामिल हैं। तो आगाड़ी राजकारण में ये होते आ रहा है। नांदेड़ के हद तक मैं ये बोल सकता हूँ कि कांग्रेस ने हमको हमेशा यूज़ किया है। राष्ट्रवादी को यूज एंड थ्रू की जो भूमिका है, इसके बारे में अभी पूरे कार्यकर्ताओं में अंग्रेज से और सबने तय किया कि अपन खुद की ताकत बढ़ाने का और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक महापालिका में भेजने। अभी परिवर्तन होगा ऐसा लगता है? परिवर्तन निश्चित हो जाएगा और हमारे निरीक्षक मैडम जो है उनको अच्छा तजुर्बा है ये चीज़ों का और पार्टी ने उनको निरीक्षक के तौर पे यहाँ पे भेजा है। उनका काम करने का तरीका तो आप देख रहे हैं, काम अच्छा ही है। रऊफ ज़मींदार को जब से युवक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है उन्होंने पार्टी की ताकत बढ़ाई है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पक्ष प्रवेश जो कर के लिए बच्चों के, उसके लिए उनका मैं अभिनंदन ही करता हूँ। नहीं तो जो निर्णय आहे म्हणजे स्थानिक लेवल वरती ज्या निवडणुका आहेत त्या स्वबळावर लढायच्या की आघाडी करायची हा सर्वस्वी निर्णय हा पक्षश्रेष्ठींचा आहे। त्यांचा जो निर्णय येईल त्याप्रमाणे आम्ही इथे काम करणार। पण हे करत असताना सुद्धा प्रत्येकाला जसं आपला पक्ष वाढवायचा आधी म्हणजे इच्छा असते की आपला पक्ष मजबूत झाला पाहिजे, आपला पक्ष मोठा झाला पाहिजे, त्या दृष्टीने आम्ही काम करत राहणार। हमारे पार्टी में बहुत से आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से बहुत से लड़के हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है और हमारी टीम रात दिन लगी हुई है उस काम में। और मित्र पक्ष को गलतफहमी है कि भाई इनका ने कोई ताकत नहीं है, लेकिन आने वाले 2022 में हम तुमको बता देंगे कि क्या ताकत है। और एक बात जहन में बिठा लो कि जब टाइम आ रहा तो आएगा तो कोई भी हार सकता। जब खासदार को अशोक चौहान साहब हार सकते, DP सावंत आमदार को हार सकते, तो ये पूरे नगर सेवक भी हारेंगे, ये मेरा वादा है। हमारी जो तो ग्राउंड लेवल से हमारी कोशिश जारी है और गलतफहमी में है ये लोग कि भाई एंड टाइम पे इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन के सामने हम काम करेंगे, गड्ढे मुचा देंगे, लोगों को बेवकूफ बना देंगे, 2-4 आश्वासन दे देंगे। ये जो 1000 करोड़ रुपये का ब्रिज हमने बना रहे, हम ये बना रहे, मालटिगड़ी का ब्रिज बनाए तो 15 साल लगे, ये जो टाकी है पानी की टाकी है तो ये शिवसेना ने बनाए वाली है और ये दवाखाना बना तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बनाए वाला है। इन्होंने क्या बनाए? हमारी मांग नहीं थी कि ये जो है ज़िरात है ये मुसलमानों के लिए, तुम यहाँ पे 10 एकड़ कब्रिस्तान दो, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाओ, क्या बनाए तुमने? कुछ नहीं बनाए। गुंडे लोगों को पाल के रखे, हम अगर काम करते हैं हमारे कार्यकर्ता को गली में जाके काम करते हैं तो उसको 10-20 लोग भेज देते हैं कि हमारा जो है तो शूटिंग नहीं लेना, मीडिया वालों को भी डराते हैं धमकाते हैं आप देखे। तो ये दादागिरी अब नहीं चलने वाली, हम रोड पे उतर के आंदोलन करेंगे। कमिश्नर साहब को मैंने निवेदन दिया था, आपने देखा एक लड़का अभी कोमा में गया हुआ है। मेरी मांगनी है कमिश्नर साहब रहने दो या जो भी रहने दो, उन पे कार्रवाई की जाए, हमारी मांगनी है। और हमारी ताकत आने वाले 2022 में हम दिखा देंगे।